check out your book 2 in that page number 48. Put today's date. Today we are going to learn the concept of inside and outside. Inside, outside. Inside means andar. Outside means bahar. Okay, now see here in the first picture. The book is inside the box. Book kahan par hai? Box ke andar hai. Inside. Book is inside this box. And here the book is. Book box ke kahan par hai? Book is outside the box. Right? Book is outside the box. Now see here. Where is the dog? The dog is inside the kennel. Kennel ke andar hai na dog. So dog is inside. Now here see. Where is the dog sitting? The dog is outside the kennel. Dog kennel ke bahar hai na? Yes. Now see here. Next picture is of a cat. See. Where is the cat? The cat is inside the basket. देखो बास्केट के अंदर है ना कैट तो क्या बोलेंगे हम द कैट इज इनसाइड द बास्केट एंड हियर सी द कैट हैव कम आउट सी बाहर आ गई ना बास्केट के तो व्हाट वी विल से द कैट इज आउटसाइड द बास्केट ओके अंडरस्टूड अंडरस्टूड दिस नाउ कम टू नेक्स्ट पेज दैट इज पेज नंबर 49 Now, what we have to do here, peel the stickers that show objects outside the house and paste them on this page. देखो, यहाँ पे कुछ stickers दिए हुए हैं, पीछे. Last में आपकी book को last page है ना, यहाँ पे कुछ stickers दिए हुए हैं. आपको इन stickers को ये जो हाउस दिया है ना पहले आउटसाइड कौन से आएंगे स्टिकर्स यहाँ पे हमें पेस्ट करना है ओके वी हैव टू पील द स्टिकर्स एंड पेस्ट देम आउटसाइड दिस हाउस ठीक है सी योर द स्टिकर्स आर गिवन राइट तो अभी घर के बाहर कौन से स्टिकर लगेंगे घर के बाहर क्या क्या होता है सी दिस इज द पिक्चर ऑफ अ फाउंटेन फाउंटेन होता है घर के बाहर या घर के अंदर होता है फाउंटेन कहाँ लगेगा इट विल बी आउटसाइड द हाउस तो आप लोग यहाँ से स्टिकर निकालना है पील करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है ओके देन नेक्स्ट सी व्हाट इज द नेक्स्ट पिक्चर ट्री नाउ ट्री वेयर इज द ट्री ट्री इज इनसाइड द हाउस और आउटसाइड द हाउस घर के अंदर होता है ट्री या बाहर बाहर होता है राइट तो आपको ट्री का पिक्चर निकाल के बाहर यहाँ पे स्टिक करना है ओके नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ फ्रेम तो फ्रेम कहाँ लगेगी घर के अंदर की बाहर अंदर लगती है तो ये बाहर नहीं लगाना है ठीक है देन इज बुक्स तो बुक्स भी इट इज इनसाइड द हाउस देन फ्लावर वास इज ऑल्सो इनसाइड द हाउस टेबल दैट इज ऑल्सो इनसाइड सो यू विल नॉट यूज दिस फोर स्टिकर्स हियर फॉर दिस पेज देन द फेंसिंग सी फेंसिंग होती है घर के बाहर या घर के अंदर होती है फेंसिंग इज आउटसाइड द हाउस सो यू विल पील ऑफ द स्टिकर एंड कीप द पेन पुट स्टिक द फेंसिंग ओवर हियर ओके देन इज द कार कार कहाँ होगी आउटसाइड यस तो आप लोग पार्किंग है ना यहाँ पे देखो यहाँ पे कार का पिक्चर स्टिक करना है देन इज द लैंप देखो यहाँ पे एक लैंप दिया हुआ है यहाँ पे नहीं है तो आप यहाँ पे लैंप लगाएंगे ठीक है देन सोफा एंड टेलीविजन ये आउटसाइड आएगा घर के बाहर आएगा नो सो नाउ लेट सी टर्न द पेज कम टू पेज नंबर 50 नाउ हियर व्हाट वी हैव टू डू पील द स्टिकर्स दैट शो द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द हाउस एंड पेस्ट देम अभी ये घर के अंदर आ गए हम देखो Now we have come inside the house. Now from this page come back again. इसमें से कौन से pictures inside में आएंगे घर के अंदर आएंगे वो हमें stick करना है निकाल के ठीक है तो जैसे मैम ने बोला photo frame है
फोटो फ्रेम है राइट. सो वेयर विल द फोटो फ्रेम आई विल कम हियर. ओके यू विल स्टिक इट हियर. देन कम बुक्स. तो बुक्स कहाँ होती है? शेल्फ में. तो आपको ये शेल्फ है ना, यहाँ पे स्टिक कर सकते हो, यहाँ ऊपर कहीं भी बुक स्टिक कर सकते हो. ठीक है. देन कम द वास. वास आप कहाँ रखोगे? यहाँ भी रख सकते हो, ये टेबल पे भी रख सकते हो, आपको जहाँ पे स्टिक करना है वहाँ पे आप कर सकते हो. ठीक है. देन कम्स द टेबल. टेबल कहाँ होगा? सेंटर में होता है, सेंटर टेबल. तो यहाँ पे आपको स्टिक करना है. ओके. देन सोफ़ा. सोफ़ा यू विल पुट इट इधर दिस वे और दिस वे, वॉट एवर यू विश. एंड द टेलीविज़न. तो टेलीविज़न की पिक्चर कहाँ आएगी? यहाँ वायर दिया है ना टेलीविज़न का, तो यहाँ पे आपको स्टिक करना है. अभी ये दोनों एक्टिविटी आउटसाइड द हाउस एंड इनसाइड वाला आपको अपने आप से करना है, मम्मी पापा की हेल्प नहीं लेनी है. ओके. ट्राई इट ऑन योर ओन.